हमारे नेपाली का खान पान और बहन लगी है पूरी शिद्दत से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दशहरा एंड मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ एक बार अपने यूट्यूब चैनल एम वैष्णवी पे। तो गाइज आप मेरा नाम तो जानती होंगे, मैं वैष्णवी थापा। तो नानू कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रही हूँ दशहरा पे और ये है वैष्णवी का आउटफिट विद माय डॉटर एमिली। ओके, ये मैंने हाथ में क्या पहनी हुई मम्मा? चूड़ी लगाई है। हाँ, किसने खरीदी है? मम्मा ने। यस गाइस, तो गाइस मैंने तो व्लॉग का वेलकम कर दिया एंड मम्मी आपको बाकी का सीन दिखाएगी, बट उससे पहले मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बट सब उसके बाद आपको मेरी प्रीति प्रीति मम्मा को देखना है, जो देखते हैं कैसे रेडी हुई। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि वैष्णवी ने वेलकम किया आप सभी का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दशहरा। और अब हम जा रहे हैं टीका लगाने के लिए, घर में रेडी हम हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही रेडी हुई हूँ, साड़ी लगाया है आज। और हस्बैंड जी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो, हैप्पी दशहरा गाइस। तो गाइस बस अब निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं और अब निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे घर जाके। हम लोगों ने मिठाई वगैरह ले लिया और बहुत भीड़ हो रही थी मिठाई की दुकान पे, तो अभी भी हम इधर ही हैं और घर में सब वेट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं रास्ते में ट्रैफिक मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिला तो अच्छी बात है, जल्दी टाइम से पहुँच जाएंगे। अभी जल्दी करो, सोचो ना लेट हो ही जाता है और छुट्टी के दिन में सुबह ज़्यादा जल्दी उठने का मन भी नहीं करता। तो बस अब निकल चुके हैं। अच्छा लग रहा है। और गाइस मेरी प्रिंसेस कैसी लग रही है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी प्रिंसेस कैसी लग रही है ये भी पक्का से बताना गाइस। तो गाइस चूड़ियां और वैष्णवी के हाथों की चूड़ियां। तो गाइस चलते हैं फिर घर, घर जाके। दीदी आपके रिंग लाइट निकाल दिया यार हमने। छोटी बच्ची का टीका लगाना छोटी मतलब छोटी नानी उनको मेरी बोलता है। तो हेलो बोल दो, हेलो बोलो। हेलो गाइस, ये मेरे छोटे मामा है, कैमरामैन खुद को भी तो शूट कर लीजिए। और गाइस मैंने आपको एनएल को दिखाया था जो कार में है भी। मेरे को भी दिखा दे रिंग लाइट। बहुत मजा आ रहा है, देखो मौसी पूरी मेरे को भी दिखा दो कोई। चलो दिखा दो। पर लाइट तो आ रही है पर कोई तो आ नहीं रहा था इसमें अभी तक। इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे गाइस बाद में बोले तो पहले यहाँ आ जाए। नीचे करते हैं थोड़ा सा चावल लगाने वाला। दशहरा ही बोल दो नानू। सबसे मेन रोल हैप्पी दशहरा सबसे मेन रोल है। जल्दी जल्दी आ जाओ प्लीज, हर कोई लाइन में।
दीदी दीदी हेडलाइन जरूर लगाना जो पापा ने बोला। वाओ ये हेडलाइन से बड़े पापा क्या लगा रहे भाई टिक्का लगा रहे चलो चलो ठीक बोलो पिटाई कम करनो ठीक अफसर बनू मेरा बाबू है मेरे बाबू लाई पहला आमला लगाई दिना चाहिए नी तो गाइस ये है मेरा भाई क्यूट क्यूट भाई ये है मेरी बुआ और ये है मेरी सिस्टर अटक गया बेचारी कम खा रही है देखो गाइस तो कुछ बोलना चाहोगे दीदी के चैनल के लिए ए गाइस ये मेरी बहन मेरी दीदी के लिए ना इतने सारे बहुत सारे व्लॉग लाइक्स कर देने की जिससे कि इन्हें डायमंड प्ले बटन मिल जाए थैंक यू सो मच और अभी फिलहाल तो ये खाने में कॉन्सेंट्रेट है कैसा बनाए सेल रोटी बहुत बढ़िया और आप नॉनवेज नहीं खाते हो आज मैं मन नहीं कर रहा खाता था तो गाइस मेरा भाई ना मेरे भाई के अंदर एक कला है अभी खाना खा रहा है इसलिए नहीं बोल सकते हो अभी बाद में दिखाऊंगी वो कला सिटी में आने वाला ठीक है ये बिना मुँह में आता के सिटी बजा लेता है भाई ये है हमारे नेपाली का खान पान और बहन लगी है पूरी शिद्दत से बहन लगी है पूरी शिद्दत से धक्का बेल करने के लिए खाऊंगा बाबू पेट भर कानूला पक्का तो कांची तिमी तो राम्री लाग्दैछौ त धन्यवाद पर ए भी फोटो देखि चानी अच्छा बनके भी क्या ही फायदा गाइस ये वही दाने वाली लड़की जा जूम मत कर ना दिख जाएगी आज इसने मेकअप दबा के किया तो आज इसके दाने नहीं नजर आएंगे आपको बेइज्जती थी गाइस ये इग्नोर करना खाओ खाओ दबा के खाओ दशहरा है और लच्छी बजे लग रही संगीता अच्छी तो पूरी मम्मी और मेरी मम्मी तो कितनी छोटी लग रही है यार मम्मी मेरा गाइस जो आए तो बंदो लच्छी मेरी बेटी के चैनल को सब्सक्राइब करना मनो मेरी बेटी के चैनल को सब्सक्राइब करना
तो हमने लगा लिया है, अभी हमें जाना है, अभी तो हमें जाना है। टीका वगैरह यहाँ घर में तो मैंने लगा लिया, लेकिन अभी जाना है बुआ के घर, बड़ी वाली बुआ के घर। तो बुआ के घर जाने से पहले थोड़ा सा हो जाए फ़ोटोशूट, और हम आ गए हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो फ़ोटो खिंचा लेते फिर करते हैं लंच, और फिर चलते हैं हम बुआ के घर। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है, नानू हेलो बोल दो। हेलो गाइस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम प्रेम नगर जा रहे हैं, बड़ी बुआ के पास, छोटी बुआ से हमने टीका लगा लिया था क्योंकि छोटी बुआ घर आ गई थी। तो अब हम जा रहे हैं बड़ी बुआ के घर टीका लगाने के लिए। तो अब हम कहाँ जाके मिलते हैं नानू बाबू? अब हम प्रेम नगर जाके मिलते हैं। ठक ठक के पास मैंने तो देखा ही नहीं था। हाँ, मेन रोल है निभाया आपने, क्या पापड़ वाला? अच्छा तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी बड़ी बुआ के घर। गाइस मेरे बड़े हैप्पी दशहरा सबको, बड़े बुआ और फूफा जी, मम्मी के बड़े फूफा जी। हम तो घर में आए और ऐसे आना पड़ता, ठीक से नहीं आपने आराम ले आने ऐसे खुशी में कति राम लगता कि हाँ भाई इनको कोई छा कोई आया रसा कोई गए रसा तो बहुत राम चीज हो, ठीक से नहीं? और आपने बहुत बढ़िया से खुशी लगता मन से मन मन खुश सबसे चावल अच्छी है, क्या है? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है बाबू, पढ़ाई लिखाई तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं देखता हूँ ना यूट्यूब वगैरह में, बीच बीच में टैलेंट बहुत अच्छा है, ठीक है? भगवान सबको पुसाए पुसाए मेरा वीडियो है, जब खुशी लागे यार स्वागत है हम लोग पूरा हो, चलो भगवान ले इसके सुख का पैसे चाहिए, पैसे आ गए, आ गए ज्यादा, आ जाए मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए, मीठा चाहिए, पैसे चाहिए, हम इसका खतरनाक कुछ है साक्षी बोले ऐसा। हेलो यहाँ टीका लगा रही, बोल क्या हो गया? नदी आई क्या? घर से भी हमने टीका वगैरह लगा लिया है, और अब हम वापिस चलते हैं घर की ओर। ये तो शाम बहुत हो चुकी है, और अभी हमें मामा के घर भी जाना है। तो बस अभी जस्ट घर से निकले हैं, और बहुत खा लिया गाइस, बहुत ज़्यादा। अब वही तो है, अब जहाँ भी जाएंगे सैर लूटी, ये तो हमारा पता ही आपको दशहरे में ये होता ही है हमारे दशहरे में। बस इतना खा के ना हालत ख़राब हो चुका है, और हम अभी निकल चुके हैं। बुढ़ो कैसा रहा आज का दिन? खा रहे पेट पसंद मछली बाकी। तो गाइस इनका भी कहना है ये खा खा के पेट फूटने वाला हो रहा है। सही पकड़े हैं, मतलब कैसा रहा आज का दिन, दशहरा कैसा रहा? बढ़िया रहा। क्योंकि इनको एक ही दिन की छुट्टी मिली है, तो बस हमने, वैसे तो हमारा दशहरा 5 दिन का होता है, 5 दिन का टीका होता है नेपाली में, 5 दिन जाके अपनी फैमिली के साथ टीका लगा सकते हैं। बट इनके पास सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी थी, तो हमने कोशिश की कि हम मतलब एक ही दिन में सबके घर में टीका वगैरह लगा लें। तो अभी जाएंगे हम मामा जी के घर अपने, और मामा के घर जाने के बाद 2 बुआ और है मेरी, तो उनसे लगाएंगे टीका। आप देखते तीसरे चौथे दिन में होगी रात को जाके, क्योंकि इस दिन में तो छुट्टी हो गई नहीं इनके पास, बस
उनसे फिर अभी ये दूसरा दशहरा जो भी होगा हम तब जाके लगाएंगे उनके टिकट। बट आज के लिए बस अब हम जाएंगे सीधा मामा के घर, और मामा के घर जाने के बाद बस सीधा वहाँ पे टीका लगा के फिर निकलेंगे हम पार्टी के लिए। अब कहाँ से आ चुके हैं नानू? तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं नानू? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मामा के घर, और ड्रेस वगैरह चेंज हो चुका है क्योंकि रात हो चुकी है और ठंड भी शुरू हो चुकी है। चले फिर अभी हम तो गाइस अभी हम चलते हैं और फिर मिलते हैं आपके आपसे मामा जी के घर पहुँचने के बाद। आपको हम मिलेंगे ना जो कि मामी जी के घर पहुँच कर, देखो हमने वादा पूरा किया अपना, अब टीका लगाने का टाइम आ गया। माई जी बजी के घर है बोलो नानू। मम्मी की मामी जी, मेरी मम्मी नानी खुश रहना माई जी बजाइए। मामा उस चीज को टेंशन न लेनु भन्नु न बिना। मामा नाना जी टीका लगा रहे हैं अभी चुका है 10। हाँ 10 बज चुके हैं, सुबह निकले थे 11 बजे और अभी 10 बजे घर पहुँचे हैं। पूरे दिन भर बस इधर जाना उधर जाना ऐसे में ही निकल गया। तो बस आज के लिए इतना ही, और अब बहुत थक चुके हैं। तो आप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।